फिनाले का पहला मुकाबला जारी है। यहाँ ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने के लिए जंग हो रही है और जब भी जंग का नाम सुनाई देता है तो मन में बस एक ही जंगबाज का नाम आता है जो मंच पर आते ही तोड़ तोड़ और धमाका वही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सतीश जी का। देख लो आंटी आपके और आपके साथ आप तो कमाल है। मटकी रखी तो मुझे लगा आप गई मोड़ी। आप देखते हमारे जज कितना पगला है, है? अमन बाबू इस समय मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि यहाँ पर अब जितने भी महारथी आप लोग हैं आप सब कमाल हैं, अपनी अपनी श्रेणी में बिल्कुल निपुण हैं। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, अंकों के आधार पर कौन आगे जाएगा, बट फिलहाल आपने और आपके साथी ने जो परफॉर्मेंस किया है ए लेवल का है, बहुत बढ़िया, इनक्रेडिबल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। रवि जी, मैं सतीश जी की परफॉर्मेंस के लिए कहूंगी कि मैंने हमेशा नवरस में से श्रृंगार और हास्य और विभत बाकी सब रसों को बहुत अच्छे से जिया। आज पहली बार अद्भुत रस यहाँ बैठे बैठे मैं जी रही थी जो कि स्थायी रूप से मेरे चेहरे पे था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं कि अपने ऑडियंस ने आपको कितने स्टार दिए हैं। फाइव। वो यस, इनका परफॉर्मेंस देख के बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि डालडा कुकिंग ऑयल बनाए खाना इतना टेस्टी कि डब्बा खाली पेट और परफॉर्मेंस फुल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
जिस तरह दांतो की समस्या दूर करके डाबर एक पेस्ट लाता है आपके चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कान, उसी तरह हिंदुस्तान का विस्तार सीजन 8 लेकर आया है हुनर की उड़ान। फिनाले के पहले मुकाबले में अब तक दो हुनर बाद अपने 15 जौहर दिखा चुके हैं, लेकिन किसका जौहर उन्हें ग्रैंड फिनाले में पहुंचाएगा इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मुकाबले में एक से बढ़कर एक हुनरबाज है और अब जो हमारे बीच आ रहे हैं उनका हुनर ऐसा है कि